हेलो गाइस, इस वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं मकवैत का पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा था कि जो मकवैत होता है वो स्कॉटलैंड, राजा स्कॉटलैंड जो डंकन थे उनकी तरफ से वेटल को जीत लेता है, मैकडोनवर्ल्ड को हरा देता है। उसके बाद जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात थ्री विचेस से होती है जो कि उसके राजा बनने की प्रोफेसी कर देती हैं। इसके बाद उसके अंदर मकवैत के अंदर एक राजा बनने की तीव्र इच्छा हो जाती है। तो लेडी मैकबेथ और मिलकर किंग डंकन को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। तो एक्ट सेकंड और सीन फर्स्ट में यही बताया गया है कि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जाते हैं उसका मर्डर करने के लिए। तो एक्ट टू सीन फर्स्ट में बैंको मकवैत को बताता है, क्योंकि जब प्रोफेसी विचेस ने की थी तो बैंको भी मकवैत के साथ था। तो यहाँ पे बैंको एक सरकास्टिक वे में ये कहता है कि लास्ट सपने में मेरे सामने भी विचेज फिर दोबारा आई थी। तो यहाँ पे मकवैत तो ये कह के टाल देता है कि अब मेरे दिमाग से वो सारी बातें निकल गई हैं, फिर बाद में बात करेंगे। मकवैत सेकंड सोलिलोक्वी, यहाँ पे सेकंड सोलिलोक्वी हमें फिर दिखाई देती है। सोलिलोक्वी इज दिस अ डैगर आई सी बिफोर मी द हैंडल टुवर्ड माई हैंड। ये डैगर सीन आया है इसमें, ये ध्यान रखना आप, और ये लाइन्स ध्यान रखना, ये मकवैत की लाइन्स हैं। उसके दिमाग में एक हेलुसिनेशन बन जाता है जिसको सोलिलोक्वी नाम दिया गया है। तो ये कहता है कि मेरे सामने एक डैगर दिखाई दे रही है और इसका हैंडल मेरी तरफ है। सीन सेकंड देखते हैं, मकवैत मर्डर्स द किंग व्हाइल हिज गार्ड्स आर ड्रंक स्लीप। वहाँ प्लानिंग की गई थी लेडी मकवैत और मकवैत के द्वारा कि जो उसके गार्ड हैं उनको पहले दारू पिला दी जाएगी ताकि उसके मर्डर का जो इल्ज़ाम है वो उनके ऊपर लाया जा सके। इसलिए उनको ड्रंक करके वो असलीप हो गए और मकवैत है वो उसका मर्डर कर देता है डंकन का। लेडी मकवैत ऑब्जर्व दैट सी वुड हैव डन द डीड हर्सेल्फ। में लेडी मकवैत जब मकवैत उसका मर्डर करके वापस लेडी मकवैत के पास आ जाता है तो वो जो डैगर्स थी उनको अपने साथ ही लेकर आता है। तो इस और थोड़ा डरा हुआ सा होता है तो इसका थोड़ा सा वो करते हुए वो कहती है कि मैं ही इस कार्य को कर देती, लेकिन उस जो डंकन है उसकी जो शक्ल है वो मेरे पिता से मिलती है जैसे वो सोया हुआ था, तो इसलिए मैं ये कार्य नहीं कर सकी। सी हैज़ अ वीकनेस वट एक्ट टप, क्योंकि उसके अंदर ये कमज़ोरी थी और कार्य करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से उसने नहीं किया, नहीं बाकी वो खुद इसका मर्डर कर सकती थी। मकवैत वॉचेस द जॉब, मकवैत ने कार्य कर दिया। ही रिटर्न टू हिज चैम्बर ब्लडी विद द मर्डर बीपन्स, वह कार को करके जो बीपन्स थे जो ड्रैगर्स थी उनके साथ ही आ जाता है, जिनको कि ये डिसाइड किया गया था कि ड्रैगर वहीं छोड़ के आनी है जो उसके ग्रूम्स थे, जो उसके गार्ड्स थे उनके पास ही उसको छोड़ के आना है ताकि जो उनका सस्पेंस है वो उन पर डाला जा सके। लेडी मकवैत आफ्टर चेस्टाइजिंग हर हस्बैंड एज वीक विल्ड क्रिएचर, यहाँ ध्यान रखना ये वीक विल्ड क्रिएचर मकवैत को कहा गया है लेडी मकवैत के द्वारा, क्योंकि वो बहुत वीक हो चुका था मर्डर करके। प्लांट्स और डैगर रिटर्न्स नाउ जस्ट एज ब्लडी एज हर हस्बैंड, अब वो जाती है तो उसके डैगर उसके हाथ से छीन के मकवैत से और वापस वो खुद रख के आती है जस्ट एज ब्लडी एज हर, अब वो कहती है कि अब देखो मेरे हाथ भी तुम्हारे हाथों की तरह हो गए हैं। रिमेंबर मकवैत हैज मर्डर असली, इस वाले पार्ट्स में ये ध्यान रखना आपको दो काम होते हैं। मकवैत हैज मर्डर्ड स्लीप, मतलब इसका मतलब है एक सोए हुए इंसान का उसने मर्डर कर दिया, तो यहाँ पे मकवैत हैज मर्डर्ड स्लीप का मर्डर किया है। कैन ऑल गेट नेपच्यून्स ओशियंस वॉश दिस ब्लड फ्रॉम ऑफ माई हैंड, ये लाइन्स बोलता है मकवैत, बोलता है कि अब मेरे हाथों को क्या एक नेपच्यून्स ओशियंस मेरे हाथों को धो सकता है। तो यहाँ पे हाइपरबोल का यूज किया गया है, ये आप लाइन ध्यान रखना, मकवैत की लाइन है ये। सीन थर्ड देखते हैं, इन मोस्ट हिज ट्रेजडी, ये कहा जाता है कि जो शेक्सपियर की ट्रेजडी है जिसमें ट्रेजिक इवेंट्स होता है, जो मेन ट्रेजिक इवेंट्स होता है उसके बाद थोड़ा मनोरंजन करने के लिए ऑडियंस का एक पोर्टर सीन लाया जाता है, तो ये पोर्टर सीन क्रिएशन शेक्सपियर के द्वारा किया गया है। यहाँ पे जो एक्ट सेकंड का सीन थर्ड है इसे पोर्टर सीन के नाम से जाना जाता है। पोर्टर होते हैं जो हेल गेट के रखवाले होते हैं, जो गेट खोलने का कार्य करते हैं उसको पोर्टर कहा जाता है। तो दूसरे दिन जैसे कि ये डिसाइड किया गया था कि मकवैत जो राजा डंकन है उनको सुबह सुबह
उठाया जगाया जाएगा मैकडेप लिनॉक्स के द्वारा, तो वो इनवरनेस पहुंचते हैं उनको जगाने के लिए और जो गेट था उसको बार बार खोलने के लिए बोल रहे हैं, खटखटा रहे हैं उसको गेट को। वेकन्स द कासल पोर्टर हु सफल्स टुवर्ड्स द गेट स्टिल अ लिटिल ड्रंक फ्रॉम द नाइट बिफोर टू एडमिट द नौकर। और वो थोड़ा टाइम लेते हैं क्योंकि वो ड्रंक थे, जो उसके गार्ड्स थे वो ड्रंक थे कम्प्लीटली, तो खोलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है वाई डज द पोर्टर टेक सो लॉन्ग ओपन टू गेट। वो आपस में डिस्कस करते हैं कि ये पोर्टर है वो इतना टाइम क्यों ले रहा है गेट को खोलने में। मैकडब एंड लिनॉक्स हैव टू कम मीट डंकन एंड लीव विद हिम फ्रॉम इनवरनेस। मैकडब और लिनॉक्स आते हैं डंकन के पास क्योंकि अब उनको इनवरनेस को छोड़ना था। मैकबेथ हुआ जस्ट अवेकन टेल्स, मैकबेथ उस टाइम जगा हुआ था उनका और उन मैकबेथ और मैकडब का थोड़ा सा वार्तालाप कन्वर्जेशन होती है यहाँ पे, क्योंकि वो तो पहले से ऑलरेडी जाग गया था। तो जो मैकडप होता है वो डंकन को जगाने के लिए जाता है, जैसे ही वह वापस लौटता है स्क्रीम द न्यूज़ दैट किंग्स हैज़ बीन मर्डर। वो देखता है कि चिल्लाते हुए आता है कि राजा का क्या हो गया, मर्डर हो गया। मैकबेथ अक्नॉलेज दैट ही किल द किंग्स ऑब्वियसली गिल्ट्स गार्ड। मैकबेथ का पहले से ही प्लान था तो वो सारा गिल्ट गार्ड्स के ऊपर डाल देते हैं। ही सेज ही कुड नॉट रेस्ट इन हिज एंगर एट दियर ट्रीचरी। ऐसा वह कहता है कि मैं अपना जो क्रोध है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वह उनको मार देता है जिससे कि जो सीक्रेट है वो बना रहे। मैकडब टेल्स लेडी मैकबेथ दैट द डिटेल्स ऑफ मर्डर सीन आर सो टेरिबल दैट द रिसाइटिंग इन अ वुमेन्स ईयर वुड किल हर एज शी हर्ड देम। यहाँ पे मैकडब जैसे ही लेडी मैकबेथ को बताता है तो वो एक्टिंग करने लग जाती है, ये आयरनी है, एक्टिंग करने लग जाती है। वह कहती है कि ऐसी न्यूज़ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, ऐसा बोलती है। मालकम एंड डोनाल्बियन द किंग सन्स, ये पुत्र थे राजा डंकन के, मालकम बड़ा था डोनाल्बियन छोटा था, तो वो स्कॉटलैंड को छोड़ने का प्लान बना देते हैं। सीन फोर्थ में आउटसाइड मैकबेथ कासल द ओल्ड एंड रॉस, जो कि वहाँ के लॉयल थे डंकन के, टॉक टू द स्ट्रेंज अक्रेंस ऑफ द नाइट बिफोर। वो आपस में बातचीत कर रहे थे। द हेवंस ट्रबल्ड बाई मैन सिंस पनिशिंग दिस ब्लडी वर्ल्ड, द हेवंस ट्रबल्ड बाई मैन सिंस, जो स्वर्ग है उसको परेशान किया जाता है इंसान के पापों के द्वारा, पनिशिंग दिस ब्लडी वर्ल्ड, और ये लोग ही इस जो संसार है उसको गिल्ट बना देते हैं। बिसाइड द नाइट स्टोरमाइजेज द टू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द सन वॉज डार्क। और वो पिछली लाइट के नाइट के बारे में बात करते हैं कि पिछली नाइट में तूफान आया था और ऐसी ऐसी बुरी हरकत हो रही थी जैसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। स्नप्ड आउट द डार्कनेस ऑफ नाइट, नाइट भी बहुत गहरी थी, मतलब डार्क बहुत ज़्यादा था। एंड दैट डंकन्स ब्यूटीफुल एंड वेल ब्रेड हॉर्सेस किल्ड ईच अदर्स बिकेम कैनिबल्स। और यहाँ पे वो लोग बात करते हैं कि लास्ट टाइम जब, मतलब लास्ट नाइट में जो डंकन का घोड़ा था वो भी अचानक से ऐसे बेकाबू हो गया कि ऐसे लग रहा था कि मानो कि कोई गलत काम हो गया, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जो कि डंकन का घोड़ा था उसको पता लग गया था। मैकडब एंड रॉस सीम टू एग्री दैट मालकम एंड डोनाल्बियन क्विक डिपार्चर फ्रॉम स्कॉटलैंड मेक्स देम लुक गिल्टी। यहाँ पे मैकडब और रॉस आपस में चर्चा करते हैं कि मालकम और डोनाल्बियन का यहाँ से भाग जाना, पूरा गिल्ट उनके ऊपर जाएगा, सीधा सीधा जाएगा, क्योंकि वो यहाँ से भाग चुके हैं। जो मालकम होता है वो इंग्लैंड चला जाता है, डोनाल्बियन आयरलैंड जाता है। मैकबेथ सेज रॉस इज इन स्कॉन फॉर हिज कोरोनेशन, इसको उनका ध्यान रखना यहाँ पर कोरोनेशन होता है। अब इसके बाद सीधा क्लियर हो जाता है कि जो शासन की बागडोर है वो मैकबेथ के ऊपर आएगी, तो इसलिए वो स्कॉन निकल जाते हैं कोरोनेशन के लिए, यानी राज्याभिषेक के लिए। मैकडब मेक्स इट क्लियर दैट ही हैज नो इंटेंशन ऑफ अटेंडिंग, लेकिन यहाँ पे मैकडब उसमें शामिल होने से मना कर देता है। एक्ट थर्ड का सीन फर्स्ट देखते हैं, यानी उसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो एक्ट सेकंड है उसमें राजा का मर्डर हो जाता है, एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में, वहाँ से ये ट्रेजेडी बन जाती है मेन। अब एक्ट थर्ड का सीन फर्स्ट देखते हैं। मैकबेथ इनवाइट्स बैंको टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट फीस्ट। अब सबसे ज़्यादा वह जो मैकबेथ को था वो बैंको से था, क्योंकि जो प्रोफेसी हुई थी उस टाइम बैंको उसके साथ था, तो बैंको को वो स्पेशल तो गेस्ट के तौर पे एक फीस्ट में जो आयोजित की गई थी मैकबेथ के द्वारा उसमें इनवाइट करता है। बैंको सेज ही विल अटेंड, बैंको कहता है कि वो बिल्कुल आएगा। ही हैज़ बीन ऑर्डर टू आफ्टर ऑल बट दैट ही विल बी अ फ्यू मिनट्स लेट, ही वांट्स टू गो राइडिंग विद हिज सन फ्लिंस।
वह कहता है कि मैं जल्दी ही लौट के आऊँगा, लेकिन मुझे कुछ टाइम के लिए अपने पुत्र के साथ राइडिंग पे जाना है। मकवेद थर्ड सोलंकी, यहाँ पे मकवेद की थर्ड सोलंकी दिखाई देती है, ये आप तीन सोलंकी इनको ध्यान रखना। टू बी किंग इज़ नथिंग बट टू बी सेफली किंग, वह कहता है कि एक राजा होना भी ऐसे लग रहा है कि मैं एक सेफली सुरक्षित राजा नहीं हूँ। माई इमोर्टल सोल आई हैव गिवन टू द डेविल टू मेक द चिल्ड्रन ऑफ बैंको किंग्स। वह यहाँ पे वह सोचने लग जाता है कि मेरी माई इमोर्टल सोल, जो कि मेरी इमोर्टल सोल है, आई हैव गिवन टू द डेविल, कि मैंने अपनी जो सोल है, जो इमोर्टल सोल थी, उसको मैंने गंदा किया है, डेविल के हवाले किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो साम्राज्य है वो बैंको के संतान के हाथों में चला जाए। तो इसलिए वह ये कहता है कि मैंने जो कार्य किया है तो कम से कम उसका फ़ायदा मेरी संतान को तो मिलना चाहिए, बाकी जो मेरी आत्मा है, मेरी जो इमोर्टल सोल है, वो डेविल के हवाले हुई है, तो कम से कम उसका पूरा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। नेक्स्ट, बाई कन्विंसिंग दैम दैट बैंको इज़ द कॉज दियर मिसफॉर्चून, यह वो अपने दिमाग में बना लेता है कि बैंको ही मेन रीज़न है इस मिसफॉर्चून्स का। मैकवेथ परसुएट्स टू सीडी करेक्टर्स टू असैसिनेट बैंको एंड फ्लिंस इन द इवनिंग एज द रिटर्न टू द कासल फॉर द फीस्ट। इसी टाइम वो मर्डर्स जो यहाँ पे प्लान बना लेता है बैंको को मारने का, बैंको और उसके पुत्र के साथ दोनों को ख़त्म करने का प्लान बना लेता है, उनका मर्डर करवाने का प्लान बना लेता है। सीन सेकंड, लाइक हर हस्बैंड डज, लेडी मैकबेथ सेज टू हरसेल्फ दैट वी गेन नथिंग एंड सेक्रीफाइस एवरीथिंग व्हेन वी गेट व्हाट वी वांट विदाउट अचीविंग हैप्पीनेस। लाइक हर हस्बैंड डज लेडी मैकबेथ, यहाँ पे लेडी मैकबेथ कहती कि हमने सब कुछ पाया, सेक्रीफाइस किया एवरीथिंग, व्हेन वी गेट व्हाट वी वांट विदाउट अचीविंग हैप्पीनेस, हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है, लेकिन अब अगर हमारे पास हैप्पीनेस नहीं है, बिना खुशी के, वो यहाँ ये कहना चाह रही कि इस टाइम हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं। लेडी मैकबेथ नोटिस दैट हर हस्बैंड इज़ अपसेट, लेडी मैकबेथ नोटिस करती है कि उसका पति है वो थोड़ा अपसेट है, प्रीऑक्यूपाइड एंड ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा परेशान है। सी परस्यूम्स दैट ही इज स्टिल डिस्ट्रैक्ट बाई डंकन मर्डर, वह सोच रही थी कि अब भी इससे डंकन के मर्डर से परेशान हो रहा है। ही टेल्स हर दैट ही हैज समथिंग एफुल एंड इनफेमस प्लान बट विल नॉट रिवील एनी अदर डिटेल्स ऑफ हिज प्लान मर्डर बैंको, वह यहाँ पर बताता है लेडी मैकबेथ को कि उसके दिमाग में अभी थोड़े अच्छे प्लान चल रहे हैं, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा। और जो प्लान था वो किसका मर्डर था, बैंको का मर्डर करने का था। कुड मैकबेथ डिस्ट्रैक्शन एंड अपसेटमेंट बी ही इज़ नॉट कम्फर्टेबल विद हैविंग हायर्ड मैन डू हिज ओन डर्टी वर्क, कुड ही बी अपसेट दैट ही हैज चूजन अ कोवार्ड्स वे टू किल हिज वंस बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे जो उसने दो हायर किए थे मैन, उन पे उसको भरोसा नहीं हो रहा था। कुड बी ही बी अपसेट दैट ही हैज चूजन कोवार्ड्स वे, वह ये सोच रहा था कि मैंने एक कायर तरीका अपनाया अपने बेस्ट फ्रेंड को मारने के लिए। एक्ट थर्ड, सीन थर्ड में बैंको का मर्डर हो जाता है, फ्लिंस यहाँ से बचकर भाग जाता है। हु इज़ द थर्ड मर्डर इफ़ इट इज़ मैकबेथ, वाई डोंट द अदर टू असैसिनेट रिकॉग्नाइज हिम, कुड इट बी दैट ही इज इन डिस्गाइज, रिमेंबर्ड बोरो ड्रॉप्स, ये बोरो ड्रॉप्स का मतलब है उसने जो रोप्स किए थे, जो मर्डर्स थे वो हायर किए थे इसने, टू हायर्स किए थे, एक इसका सीक्रेटली था। तो यहाँ पे एक आएगा जो तीसरा मर्डर है, क्या वो खुद मकवेद था, लेकिन मकवेद नहीं था, मकवेद के द्वारा एक तीसरा सीक्रेटली भेजा गया था क्योंकि उन दो पे उसको भरोसा नहीं था। मैकबेथ भी डिस्गाइज वियरिंग बोरो ड्रॉप्स सो दैट द अदर टू गाइज डोंट स्पॉट हिम, यहाँ पे ये उन्होंने ये डिस्गाइज में लिया कि मैकबेथ खुद डिस्गाइज के रूप में आया था, ये सस्पेंस था। सीन फोर्थ, द बैंक्वेट, मैकबेथ बरीज दैट बैंको इज लेट, जो बैंक्वेट थी वहाँ पे दावत का आयोजन किया जा रहा था, मैकबेथ चिंतित होता है कि बैंको लेट हो गया। द फर्स्ट मर्डर डिलीवर्स द न्यूज़ दैट बैंको इज डेड बट फ्लिंस इज एस्केप्ड, व्हाई डज मैकबेथ एक्ट लाइक ही इज नॉट अवेयर ऑफ दिस। अब जैसे ही उसे फर्स्ट मर्डर दिखाई देता है तो वो ये न्यूज़ पहुँचा देता है कि बैंको का मर्डर हो गया लेकिन फ्लिंस बच के भाग गए। व्हाई डज मैकबेथ एक्ट लाइक ही इज नॉट अवेयर ऑफ दिस, लेकिन मैकबेथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था कि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। बैंकोज घोस्ट अपियर्स, इतने में ही जैसे ही वो उस फीस्ट का आयोजन कर रहे थे, जो बैंको की चेयर थी वहाँ पे बैंको का घोस्ट अपियर हो जाता है। एंड मैकबेथ स्टार्ट्स स्क्रीमिंग एट व्हाट ऑल द अदर्स सी एज एन एम्प्टी चेयर, क्योंकि वो उस खाली चेयर को घूर रहा था, तो उसको देखकर बाकी के सारे लोग हैं
वो उसको देख कर थोड़ा सा परेशान होते हैं। लेडी मैकबेथ टेल्स देम टू पे नो माइंड टू मैकबेथ डिस्टर्बिंग बिहेवियर। यहाँ पे लेडी मैकबेथ है थोड़ी सी चापलूसी करती है कि ये मैकबेथ की खुद की ऐसी बीमारी है बचपन से है कि वो कभी कभी ऐसा बिहेव करने लग जाता है। ही हैज़ बीन लाइक दिस सिंस बॉयहुड। वह बोलती है कि इसकी बॉयहुड से ये परेशानी है। सीन 5, वी डिड नॉट रीड दिस सीन इन इट द चीप ऑफ द बिचेज हैकेट एक्नोलेज दैट दे द बिचेज हैव अ फर्म ग्रास्प ऑन मैकबेथ। अब ये एक्ट थर्ड है, यहाँ पर एक्ट थर्ड के सीन 5 में हैकेट उन तीनों को बुलाती है बिचेज को कि ये तुम लोगों ने ये क्या करवा दिया, अब ये मौत का खेल है यहाँ पे शुरू हो गया है, ये तुम लोगों ने क्या किया, वो उनको डांटती है। सीन 6 एक्ट थर्ड का लास्ट है। लिनॉक्स हु इज लॉयल टू डंकन मेक्स सरकास्टिक रिमार्क्स अबाउट मैकबेथ टू एनोदर थैन। यहाँ पे जो लिनॉक्स है वो डंकन का लॉयल था, वो यहाँ पे एक सरकास्टिक रिमार्क्स करता है मैकबेथ के बारे में दूसरे थैन से। बैंको शुड नॉट हैव बीन आउट राइडिंग लेट बाई हिमसेल्फ अलोन ही गॉट वॉट ही डिजर्व। अब यहाँ पे वो एक कहता है कि बैंको को लेट नाइट राइडिंग पे नहीं जाना चाहिए था, बाई हिमसेल्फ और अकेले ही गॉट वॉट ही डिजर्व, अब उसको क्या मिला, ही गॉट उसने पाया जो वह डिजर्व करता था। तो यहाँ पे वो कहता है कि अब बाहर लेट नाइट निकलना भी सुरक्षित नहीं है, और यहाँ पे फिलिंस का भाग जाना ये तय करता है कि मैं बैंको का मर्डर किसने कर दिया, फिलिंस ने कर दिया लाइक डंकन। लिनॉक्स रिवील्स दैट मैकबेथ मैकडफ हैज़ गॉन टू इंग्लैंड देयर टू जॉइन फोर्सेज विद मालकम एंड वेरियस इंग्लिश नोबल मैन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ इंग्लैंड किंग एडवर्ड टू रेज एन आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ। अब यहाँ पे लिनॉक्स ये रिवील्स कर देता है, प्रकट कर देता है कि जो मैकडफ है वो इंग्लैंड जा चुका है और वहाँ पे मालकम के साथ उसने वहाँ की इंग्लैंड की आर्मी को ज्वाइन कर लिया है एंड वेरियस इंग्लिश वोमैन और बहुत सारे जो इंग्लिश नोबल मैन है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ इंग्लैंड किंग एडवर्ड, यानी जो इंग्लैंड के इंग्लिश नोबल मैन है बहुत सारे वहाँ के राजा के ब्लेसिंग्स के, वहाँ का राजा था एडवर्ड, वहाँ के राजा की ब्लेसिंग्स थे टू रेज एन आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ, जो तैयार कर रहे हैं मैकबेथ के खिलाफ एक आर्मी तैयार कर रहे हैं, यानी अब इंग्लैंड में एक आर्मी तैयार हो रही है किसके खिलाफ, मैकबेथ के खिलाफ। तो वो अब मैकबेथ पे विद द हेल्प ऑफ जो उनका सेनापति होगा वो मालकम होगा, उसके मालकम के अंडर में वहाँ से अटैक होगा मैकबेथ के ऊपर। तो वो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो थर्ड पार्ट है वहाँ अपन इस मैकबेथ को फिनिश करेंगे। आई होप यू इंजॉयड दिस, इफ़ यू गॉट एनी रॉन्ग प्लीज़ डू कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू गाइज़।